वेलकम टू आर से यजुहब बानसूर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। तो देखो, हमने माइक्रोस्कोप भी स्टडी कर लिया है और टेलीस्कोप भी स्टडी कर लिया है। माइक्रोस्कोप के दो टाइप थे, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ऐसे ही टेलीस्कोप के भी दो टाइप थे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इन सब में अपने को मैग्निफिकेशन हमने फाइंड आउट किया था स्टार्टिंग में। तो हमने सब में स्टार्टिंग में मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते थे, फिर उसके दो केस पढ़ते थे। केस फर्स्ट होता था जब फाइनल इमेज डीपर बने, केस सेकंड होता था जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बने, तो उसमें फिर हम मैग्नीफिकेशन निकालते थे। तो सबके मैग्नीफिकेशन के फॉर्मूले हम यहाँ पे एक बार रिविजन के लिए यहाँ पे लिख देते हैं। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफिकेशन होता है उसका जनरल फॉर्मूला ये आता था, केस फर्स्ट में ये आता है, केस सेकेंड में ये आता था। क्लियर है, ये सारे अपने को एकदम लर्न होने चाहिए। ऐसे ही कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जनरल फॉर्मूला ये आता है अपना, फर्स्ट केस में ये फॉर्मूला आता था और सेकंड केस में ये वाला फॉर्मूला आता था। क्लियर है, ओके। ऐसे ही हमने टेलीस्कोप जब पढ़ा था तो उसमें रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जो जनरल फॉर्मूला होता है मैग्नीफिकेशन का, वो ये होता था माइनस एफ नोट अपॉन यू ई। केस फर्स्ट में जो फॉर्मूला आता था वो ये है अपना, केस सेकंड में जो फॉर्मूला आता था वो ये है। क्लियर है, ये सब हम पढ़ चुके हैं वन बाय वन। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी जो फॉर्मूले होते हैं सेम ऐसे ही होते हैं, बस इसमें नेगेटिव साइन की जगह पॉजिटिव साइन हो जाता है, तो ये बन जाता था रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के फॉर्मूले। क्लियर है, अब हम इनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। तो क्वेश्चन अपना या एग्जाम्पल है बुक का, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ ए टेलीस्कोप इज 50 सेंटीमीटर एंड आईपीस इज 5 सेंटीमीटर, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन इज 25 सेंटीमीटर, द टेलीस्कोप इज फोक्स्ड एट ए 200 सेंटीमीटर अवे, कैलकुलेट मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो देखो, ये टेलीस्कोप गिवन है अपने को, तो टेलीस्कोप में ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता था और ये आईपीस है। देखो, लेंस अगर गिवन है दोनों, तो ये कॉमन सेंस होना चाहिए कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो मिरर हम यूज़ करते थे। ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, ये आईपीस है। ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ ओ, वो अपने को गिवन है 50 सेंटीमीटर, और ये आईपीस है, इसकी फोकल लेंथ अपने को गिवन है 5 सेंटीमीटर, और फाइनल जो इमेज बन रही है वो डीपर बन रही है, मतलब केस फर्स्ट की बात हो रही है। तो मैग्नीफिकेशन अपने से पूछा गया है, तो मैग्नीफिकेशन आता था देखो केस फर्स्ट में टेलीस्कोप की अगर हम बात करें, तो एम ए कुछ तो होता था फॉर्मूला माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी। ये सारी वैल्यू अपने को गिवन है, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। देखो, एफ नोट कितना है 50, एफ ई है अपना 5, 1 प्लस एफ ई, एफ ई है 5 अपॉन में डी, दैट इज 25। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 10, इसको 5 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई 5, 5 एलसीएम ले लो इसमें, तो एम इक्वल्स हो जाएगा माइनस 10, 5 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ये 6 अपॉन 5, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 12। ये मैग्नीफिकेशन आ गया इसका। क्लियर है, तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। अब थोड़ा सा आप मुश्किल क्वेश्चन करते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए टेलीस्कोप इज 9 व्हेन इट इज एडजस्टेड फॉर पैरेलल रेज, द डिस्टेंस बिटवीन द आईपीस एंड ऑब्जेक्टिव लेंस इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ बोथ द लेंसेज। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नीफाइंग पावर अपने को गिवन है, तो मैग्नीफाइंग पावर अपने को दे रखा है 9। क्लियर है, उसके बाद इसको पैरेलल रेज के लिए फिक्स किया गया है। पैरेलल रेज का मतलब, कहाँ पे पैरेलल रेज तब होती है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो या फिर जो इमेज है वो इन्फिनिटी पर बने। तो देखो, जब इमेज इन्फिनिटी पर बनती है, इसका मतलब ये केस सेकंड की बात कर रहा है, और
कौन से टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं? देखो दोनों इसमें लेंस हैं, तो लेंस रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में होते हैं, तो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो उसकी ये बात कर रहा है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता था ये होता था माइनस एफ नोट अपॉन में एफ ई। क्लियर है कि नहीं? साथ में आपको ये दे रखा है ये दोनों लेंस के बीच की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब। क्लियर है कि नहीं? तो लेंथ ऑफ ट्यूब अपने को गिवन है दैट इज 20 सेंटीमीटर, और हमने जब ये लेंस पढ़ा था तो उस समय हमने ये भी ध्यान दिया होगा कि लेंथ ऑफ ट्यूब का जो फॉर्मूला होता था ये होता था एफ नोट प्लस एफ ई। ये अपने को दे रखा है 20 सेंटीमीटर। यहां से देखो मैग्निफिकेशन कितना गिवन अपने को 9, तो हम लिख देंगे एफ नोट अपॉन में एफ इक्वल्स टू 9। यहां पर एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप चाहो मैग्निफिकेशन देखो, अपने को पता होता है कि जो रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है, तो आप यहां पर नेगेटिव यूज कर सकते हो, अदरवाइज इसमें आप इस साइन को हटा सकते हो। तो देखो दोनों ही तरीके सही हैं, या तो आप इसको माइनस 9 पुट कर दो और उधर माइनस एफ नोट अपॉन एफ ई कर दो, तो माइनस से माइन यहां पे कैंसिल हो जाएगा, तो एफ नोट इक्वल्स टू आ जाता है यहां से 9 एफ ई। ये इक्वेशन फर्स्ट है, और इसको दे दो इक्वेशन सेकेंड। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एफ नोट प्लस एफ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर है, तो उसमें एफ नोट की जगह हम यहां पर 9 एफ ई पुट कर देंगे, तो हो जाएगा 9 एफ ई प्लस एफ ई दैट इज 20। तो यहां से देखो ये हो गया 10 एफ ई इक्वल्स टू 20, तो यहां से एफ ई की वैल्यू हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो जो आई पीस है उसकी फोकल लेंथ है 2 सेंटीमीटर, अगर एफ ई 2 है तो ये देखो एफ नोट कितना हो जाएगा 9 इंटू 2 दैट इज 18 सेंटीमीटर। तो ये अपना आंसर आ गए। क्लियर है? अब लास्ट क्वेश्चन है, चैप्टर यहां पर फिनिश हो जाएगा अपना, तो लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आई लेंस ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप आर 0.95 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली एंड दे आर अपार्ट 20 सेंटीमीटर टू ईच अदर। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन आई पीस एट द डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप। देखो क्या गिवन अपने को, ये माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उसका ये रे डायग्राम अपने को याद होना चाहिए, इसको अच्छे से देखना एक बार। उसके बाद देखो अपने को गिवन क्या क्या है, अपने को गिवन है ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ है एफ ओ, ये अपने को गिवन है 0.95 सेंटीमीटर। देखो कॉन्वेक्स लेंस है तो ये पॉजिटिव ही होगी। आई पीस की गिवन है 5 सेंटीमीटर, और दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आई पीस और ये जो ऑब्जेक्टिव है इसको हम कहते हैं लेंथ ऑफ ट्यूब, तो लेंथ ऑफ ट्यूब अपने को गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो लेंथ ऑफ ट्यूब इक्वल्स टू है 20 सेंटीमीटर। एक चीज और याद रखना, लेंथ ऑफ ट्यूब होगी इस वाले डायग्राम में ये हो जाएगी वी नोट प्लस यू ई, तो इसको हम लिख लेंगे वी नोट प्लस यू ई इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर ही। अब एक चीज और ध्यान देना, जो फाइनल इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पर बन रही है, 25 सेंटीमीटर मतलब कैपिटल डी, तो ये केस फर्स्ट की बात हो रही है, तो केस फर्स्ट में जो मैग्निफिकेशन आता है अपना माइक्रोस्कोप के केस में उसका फॉर्मूला होता था माइनस वी नोट अपॉन यू नोट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, ये फॉर्मूला होता था। तो इसकी हेल्प से ये फॉर्मूले में हम सारी डेटा अगर अपने को पता चल गई तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो सोल्व करते हैं इसको। देखो इसमें करना क्या है, अपने को लेंस इक्वेशन यूज करनी है, एक बार इस लेंस के लिए और एक बार इस लेंस के लिए, तो जितने भी अननोन डेटा हैं वो सब फाइंड आउट हो जाएंगे और अपना रिजल्ट निकल जाएगा जो भी आंसर है मैग्निफिकेशन। तो देखो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है आई पीस, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, तो इसको हम लिखेंगे यू जीरो से
इमेज डिस्टेंस है तो वी नोट हो गया। इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इसको हम यूई से लिखेंगे। क्लियर है? तो ये सब डायग्राम एक बार अच्छे से देख लेना। अब सोल्व करते हैं, तो देखो फोर इन सबको मैं हटा देता हूं यहां से। तो ये सब अपने को गिवन है, मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला ये है। तो देखो इस फॉर्मूले में अपने को ये डी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर होती है पता है, एफ ई की वैल्यू भी अपने को गिवन है क्वेश्चन में, वी नोट और यू नोट निकालना अपना टारगेट रहेगा, ये दोनों निकलते ही फिर आंसर आ जाएगा। तो देखो वी नोट और यू नोट कैसे निकालेंगे, एक बार हम लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आई पीस के लिए। तो यूजिंग लेंस फॉर्मूला लेंस इक्वेशन फॉर आईपीस, देखो आईपीस के लिए लेंस इक्वेशन लगाएंगे 1/v - 1/u = 1/f, है तो ई लगा देंगे यहाँ पे। देखो तो फाइनल इमेज जो बन रही है वो डी डिस्टेंस पर बन रही है, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो वी ई की जगह हम पुट कर देंगे माइनस का डी और यू ई की जगह पुट कर देंगे माइनस का यू ई। ये केस फर्स्ट में हम करते थे, डेरिवेशन में भी किया था। देखो तो यहाँ से हो जाएगा 1/ve की जगह पुट कर देंगे माइनस का d माइनस 1/ue, ue की जगह पुट कर देंगे माइनस का ue इक्वल्स टू 1/fe, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस का 1/d प्लस 1/ue इक्वल्स टू हो जाएगा 1/fe, एफ ई की वैल्यू पुट कर दो 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 1/ue इक्वल्स टू हो गया 1/d, उधर जाके प्लस का हो जाएगा 1/5, डी की वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर तो इसको पुट कर दो 1/25 प्लस 1/5, तो ये आ जाएगा अपना देखो 25 एलसीएम ले लो इसमें तो जाएगा 1+5 तो आ जाता है 6/25। ये किसकी वैल्यू आ गई 1/ue की, तो ue की वैल्यू निकालेंगे तो उसको उल्टा कर देंगे। तो देखो ue बाई 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 25/6, तो यहाँ से ue की वैल्यू आ जाती है अपनी 25/6। क्लियर है? अब ध्यान देना, ue की वैल्यू अपने को पता चल गई है तो यहाँ से वी नोट निकल जाएगा, क्योंकि वी नोट प्लस यूई इक्वल है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देखना, इसको इक्वेशन दे दो कोई भी, फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी नोट प्लस यूई इक्वल्स टू 20। तो यहाँ से देखो यूई की वैल्यू अपने को पता ही है 25/6 इक्वल्स टू 20, तो यहाँ से वी नोट आ जाएगा 20 - 25/6। क्लियर है? तो यहाँ से 6 एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 26 + 120 -25 तो हो जाएगा 95/6। तो ये वी नोट की वैल्यू आ चुकी है अपने पास। अब देखो वी नोट आ चुका है, अब यू नोट और निकालना है अपने को इस फॉर्मूले में। यू नोट, तो यू नोट के लिए हम लेंस इक्वेशन यूज करेंगे इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे बाय यूजिंग, इसको नोट कर लेना एक बार, यूजिंग लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव। लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f, ऑब्जेक्टिव लेंस है तो और लगा देंगे इधर, तो हो जाएगा 1/v0 - 1/u0 = 1/f0। एफ नोट की वैल्यू देखो अपने को गिवन है 0.95, इसको हम लिख सकते हैं 95/100। क्लियर है? तो हो जाएगा 1/f0 की जगह रख देंगे 95/100, तो 100 ऊपर चला जाएगा। अब
वी नोट भी अपने को पता चल चुका है 95 डिवाइडेड बाय 6, तो यहाँ से वी नोट की वैल्यू भी पुट कर दो 95 डिवाइडेड बाय 6, तो 6 ऊपर चला जाएगा, माइनस 1 अपॉन यू नोट इक्वल्स टू 100 अपॉन में 95, क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, इसको इधर ले जाओ ये माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 6 अपॉन 95 माइनस 100 अपॉन 95 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू नोट 95 एलसीएम ले लो इधर, तो हो जाएगा 6 माइनस 100 1 अपॉन यू नोट, तो हो जाएगा माइनस 94 अपॉन 95 इक्वल्स टू 1 अपॉन यू नोट, सॉरी 94 अपॉन 95, तो यहाँ से यू नोट की वैल्यू आ जाएगी, देखो उसको उल्टा कर दो 95 अपॉन 94, क्लियर है। ये यू नोट निकल चुका है, यहाँ से वी नोट आ चुका है। अब ये फॉर्मूला है अपना मैग्निफिकेशन का, इसमें वैल्यू पुट करनी है, अब अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो मैग्निफिकेशन हो जाएगा एम इक्वल्स टू वी नोट अपॉन यू नोट, तो देखो वी नोट की वैल्यू पुट करेंगे 95 डिवाइडेड बाई 6 अपॉन में यू नोट, नेगेटिव साइन हो रहा है यहाँ पे, यू नोट की वैल्यू है नेगेटिव 95 अपॉन 94, तो नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल हो जाएगा, 95 से 95 इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, तो डी की वैल्यू थी 25 और एफ ई गिवन अपने को 5, तो देखो ये 94 ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 5 एलसीएम ले लो इसमें, तो हो जाएगा 30 अपॉन 5, मतलब 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 94 आ जाता है, तो मैग्निफिकेशन आ जाता है अपना फाइनल आंसर m इक्वल्स टू 94, दैट इज आंसर। तो यहाँ पर अपना जो चैप्टर है 11 ये फिनिश होता है। चैप्टर काफ़ी लेंथी है इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। इसमें दो ही चीज़ें पढ़ी हमने, एक तो था रिफ्लेक्शन का पार्ट और उसके बाद था रिफ्रैक्शन, उसी का एप्लीकेशन है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में या फिर लेंस मिरर में, क्लियर है। थैंक यू।